हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, मैं सिविल इंजीनियर्स प्रोफेशनल आरआईसीएस सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वे अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट रिइंबर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और कब हम लोग इनको करते हैं और क्या बेनिफिट होता है इनको करने से। प्लस मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता फॉर नॉन टेक्निकल टेक्निकल स्टूडेंट्स को विद 100% जॉब असिस्टेंस। वी हैव जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज और आप जो है हमारे को दिल्ली और उत्तराखंड की ब्रांच के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। इन उत्तराखंड वी आर गोइंग टू ओपन न्यू ब्रांच, आप वहाँ पर हमारे को लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। वी हैव अवर ओन हॉस्टल फैसिलिटी देयर और फ्रेंड्स वहां के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप हमारे को वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और स्टार्टिंग है कुछ स्टूडेंट को ही हम लोग जो है अच्छे खासा डिस्काउंट मोर देन 50% कोर्स फीस एज कम्पेयर टू दिल्ली हम लोग वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपने आपको रजिस्टर कराइए और उत्तरांचल में हमारे को जो है ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं जो कि है फिक्स प्राइस और एंड कॉस्ट रिइंबर्समेंट। कॉस्ट रिइंबर्समेंट, तो फ्रेंड्स ये होता क्या है, फिक्स प्राइस और कॉस्ट रिइंबर्समेंट है क्या एक्चुअली। तो फ्रेंड्स दीज आर द मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। कॉन्ट्रैक्टर को जो हम पेमेंट करते हैं, दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कॉस्ट रिइंबर्समेंट पहला हम बात करते हैं फिक्स्ड प्राइस की। फिक्स्ड प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग के पास में जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पहले से ही पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग एक दिन से कैलकुलेट कर देते हैं। इसमें हम लोगों के पास ड्राइंग्स होती हैं, ड्राइंग्स के बेसिस पे हम लोग क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं और उसके बाद हम हर आइटम का यूनिट प्राइस फिक्स कर देते हैं फॉर अ कंप्लीट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के लिए। इसमें जो है फ्रेंड्स रेट फाइनल हो जाता है हमारा पर आइटम का यूनिट के हिसाब से हम लोग रेट फाइनल कर देते हैं और वही रेट जो है टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक हमारा रहता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारे पर रेट फिक्स हो गया, क्वांटिटीज हमारे को निकालनी होती हैं और ये क्वांटिटीज जो है वैरी करती हैं, कई बार घट भी जाती हैं बढ़ भी जाती हैं, वेरिएशन जिसको हम लोग कहते हैं, बट उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और हमारा प्रोजेक्ट जो है हमारे को पता होता है कि क्या कॉस्टिंग आने वाली है। सेकेंडली फ्रेंड्स इसको हम लमसम वैल्यू प्राइस भी कहते हैं, क्योंकि जब कम ज़्यादा होगा तो लमसम जो है हमारा प्रोजेक्ट का वैल्यू रहता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता है वैल्यू के अंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग फिक्स प्राइस जो है हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स सेकेंड आता है हमारा कॉस्ट रिइंबर्समेंट। कॉस्ट रिइंबर्समेंट टाइप ऑफ मेथड ऑफ पेमेंट, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं बट हमारे हम लोग प्री वर्किंग नहीं करते हैं अपनी कॉस्ट के ऊपर। हम लोग को कॉन्ट्रैक्टर को वो अमाउंट देना पड़ता है जिसका उसने काम किया है, मतलब फेयर वैल्यू देनी पड़ेगी जो काम उसने किया, प्लस में उसको कॉन्ट्रैक्टर ओवरहेड प्रॉफिट वगैरह भी उसको देना पड़ेगा। बट उसके अगेंस्ट में जब भी वो क्लेम करता है तो उसको ओपन बुक दिखानी पड़ेगी, मतलब कि उसको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब मटेरियल की परचेजिंग के और जो भी उसने काम किया है लेबर्स वगैरह का सारा एविडेंस उसको सबमिट करना पड़ेगा एंड देन वी विल पे टू हिम। इसमें हमारे पास पहले कोई एस्टिमेट वैल्यू नहीं होती है, जो भी उसने काम किया हमारे को फाइनली जब एंड हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट का तब हमें पता चलता है कि हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है। बट फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास इनिशियल में ही एक ढंग से कह सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है। और कॉस्ट रिइंबर्समेंट में फ्रेंड्स हमारे पास जब कंप्लीट हो जाता है प्रोजेक्ट उसके बाद ही हमारे पास वैल्यू आती है। तो फ्रेंड्स दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन फिक्स प्राइस और कॉस्ट रिइंबर्समेंट मेथड के बारे में। होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, फिक्स प्राइस किसको कहते हैं और कॉस्ट रिइंबर्समेंट किसको कहते हैं। फ्रेंड्स ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे छोटे छोटे पर नॉलेजेबल वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स जो है आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।